जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कॉपर ट्यूब की फ्लेयर कैसे बनाते हैं, मतलब इसमें टीसी को इंस्टॉल करने के लिए। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है जिसमें फ्लेयर बनाने की अलग अलग टेक्निक लोगों ने बताई हुई हैं, और उसमें काफ़ी सारा कुछ उन्होंने मुँह से जो हमारे बताने का होता है वो उन्होंने नहीं बताया, और कुछ सावधानियाँ होती हैं वो भी उन्होंने नहीं बताई हैं। और गैस निकलने के कई कारण होते हैं फ्लेयर बनाने के बाद, ऐसा उन्होंने कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि फ्लेयर सही बनाने का और सही बनने के बाद कैसी दिखती है, उसका तरीका क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कभी फ्लेयर से गैस ना निकले तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, मेरी 100% गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कभी भी फ्लेयर नट से गैस नहीं निकलेगी। देखिए, सबसे पहले हमें पाइप के अंदर नट डाल लेना है। नट डालने के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर लेकर पाइप को काटेंगे, और पाइप को काटना इसमें बहुत ही ज़रूरी है फ्लेयर बनाने के अंदर एक सही तरीके से, क्योंकि जब हम फ्लेयर बनाते समय पाइप को काटते हैं ना तो अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से पाइप ट्यूब कटर को कसकर पाइप को काट देते हैं, जिससे क्या होता है वो अंदर की तरफ बैंड हो जाता है, मतलब एक कोन टाइप का बन जाता है। तो हमें पाइप को बहुत हल्का हल्का सा प्रेशर देकर ही काटना है, मतलब जैसे ही हमारा जो ट्यूब कटर है जब उसको कसेंगे और वो पाइप से टच हो जाएगा उसका ब्लेड, बस हमें तभी घुमाना शुरू कर देना है, और बहुत हल्की हल्की सी चूड़ी हमें टाइट करनी है और उसको घुमाना है, मतलब इतना हो के पाइप दबना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको पाइप को काटना है, क्योंकि जो अगर पाइप हमारा दब गया तो हमें उसे घिसना ज़्यादा पड़ेगा, या फिर बिना घिसे हम बनाएंगे तो वो चटकने की भी चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे। तो सही तरीका है कि आप का जो ट्यूब कटर है उसका ब्लेड एकदम शार्प होना चाहिए, आपका ट्यूब कटर बहुत घटिया क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूल्स पे बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी फ्लेयर, आपके टूल्स अच्छे होंगे तो आपकी फ्लेयर अच्छी बनेगी। अभी देखिए, ये पाइप जब हमारा कट गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी पुरानी कटिंग है, ये देखिए काफ़ी अंदर तक दबी हुई है, ये देखिए वी शेप की है, और ये जो मैंने अब काटी है आप देखिए बिल्कुल सीधी है, और मैंने बिना प्रेशर लगाए जो है ट्यूब कटर पे तब ये काटी है। ये देखिए, मैं आपको दोनों पाइप एक साथ मिला कर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये गोल शेप की है आगे से, और ये जो मैंने अब काटी है ये बिल्कुल सीधी है। अब देखिए, अगर इस गोल शेप वाली में हमें फ्लेयर बनानी होती ना तो हमें क्या करना पड़ता, जितना पाइप ये अंदर की तरफ दबा हुआ है लगभग इसको पूरा ही घिसना पड़ता, या फिर नोज प्लास से फैलाना पड़ता, जिसमें कि इसके चटकने के चांस बन जाते। तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले कटिंग करना सीखें कि कटिंग कैसे करते हैं, और कटिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि चूड़ी ना बने, ठीक है, और पाइप को घिसना ज़रूर है हमें, और पाइप को घिसते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा पाइप का जो मुंह है वो हमें ज़मीन की तरफ रखना है, नीचे की तरफ, मतलब ठीक है, जिससे कि जितना भी जो कॉपर का बुरादा निकलेगा घिसने के बाद वो हमारा ज़मीन की तरफ गिर जाए, पाइप के अंदर ना जाए, क्योंकि ये जो बुरादा ये अंदर हमारा गैस के साथ नहीं चलना चाहिए। हालांकि कंप्रेसर में फ़िल्टर लगा होता है एक्यूमिनेटर के अंदर, तब भी ये रोक सकता है, पर हम कोशिश यही करेंगे कि कॉपर पाइप के अंदर हमारा वो ना जाए, उसको हमें झाड़ लेना है, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा। अब हम क्या करेंगे, नोक प्लास की मदद से ना जो हमारे पाइप जो हमने घिसा है उसके अंदर ना थोड़ी सी कटिंग अंदर की तरफ मुड़ जाती है कॉपर पाइप की, उसको नोक प्लास की मदद से हम गोल गोल घुमाकर हटा देंगे पूरी, थोड़ा टाइट से हमें हल्का सा नोक प्लास से उसको हटा देना है, ठीक है। आपको पाइप को फुलाना नहीं है, आप अगर नोक प्लास से फुलाने के चक्कर में पड़ोगे ना तो इसके अंदर थोड़ा स्क्रैची हो जाएगा पाइप, अगर आपका अच्छा नोक प्लास है तो शायद ना भी हो, लेकिन अगर नोक प्लास में कमी है तो आपकी वो स्क्रैची हो जाएगा। तो आपको सिर्फ
वो कटिंग हटानी है। इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी, ये हमारा हाफ का पाइप है और हमें हाफ के पाइप में इसे कस लेना है और 3 से 4 mm करीबन हमें डाई से बाहर रखना है पाइप, ठीक है। कम से कम 3 mm मान के चलिए, आप 3 mm के करीब आप इस पाइप को बाहर कर लीजिए, ऐसे देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पाइप आप इतना बाहर करने के बाद डाई को पहले पाइप वाले हिस्से से कसिए, क्योंकि ये पाइप गोल, ये जो डाई होती है ना, ये गोल होती है, इसकी दोनों साइडें गोल होती हैं, बीच में से पहले मिलती हैं, उस साइड में से बाद में मिलती हैं। अगर आप इसको पहले उधर से कस दोगे ना, तो फिर पाइप की तरफ से नहीं कसेगी, इसलिए पहले आपको पाइप की तरफ से कसनी है और बाद में आपको दूसरी तरफ से कसनी है। और ऐसा कसने के बाद ना, आपको ज़रूरी नहीं है प्लास से भी टाइट करना पड़े, क्योंकि अगर प्लास से आप टाइट करोगे तो पाइप दब जाएगा काफ़ी हद तक, और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, देखिए इस तरह से कर देते हैं, और ये गलत तरीका है, आप मत कसिएगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ये तब कसना पड़ता है अगर हमारा पाइप फ्लेयर के वक्त स्लिप मार रहा हो, तब हमें ज़रूरत है प्लास से कसने की, नहीं तो हमें प्लास से कसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर दूसरी साइड से पहले बाद में कसेंगे तो आपका पाइप ऐसे ही काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपने ये फ्लेयरिंग टूल ले लेना है, हमारी फ्लेयरिंग कोन जो है ये, और ये कोन जो है आपको हमेशा ऑयल करके रखनी है। देखिए जैसे ये जंग खाई हुई है काफ़ी हमारी फ्लेयरिंग टूल, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पहले ना ऑयल कर लेंगे। इसमें ऑयलिंग करने के बाद क्या है, ये काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगी, बड़ी स्मूथ हो जाएगी चलने में। इससे हमें फ्लेयर बनाते वक्त ना, हम पाइप को काफ़ी अच्छे से टाइट कर पाएंगे, क्योंकि जो रस्ती होती है ना, उसमें हम पाइप को पूरा अच्छे से टाइट नहीं कर पाते और ताकत भी बहुत लगानी पड़ती है। तो आप इसको अच्छे से ऑयल कर लीजिए, ठीक है। अब देख रहे हैं जहाँ जहाँ मैंने ऑयल इसमें डाला है, वहाँ सब जगह आपको ऑयल डालना है। और आपको यहाँ भी एक बूंद ऑयल डाल लेना है, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ भी इसमें जितना फ्री होगा उतना बढ़िया इसका जो है हमारा फ्लेयर बनेगी। आप एक बूंद तेल चाहे पाइप के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ्लेयर कोन पर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या है, हमारे जो पाइप है ना, वो इसमें आसानी से चिकना रहेगा रपटते वक्त, क्योंकि ये जो फ्लेयर कोन है ये पाइप के अंदर हमारी रपटती है, ठीक है। अब इसको हमें पाइप के बीचों बीच, देख रहे हैं आप ये क्लिप दिए हुए हैं क्लैंप यहाँ पर अटकाने के लिए, इस क्लैंप को यहाँ पर अटका लेना है, और कोन को हमें सिर्फ पाइप के बीचों बीच रखना है। ये देखिए बिल्कुल पाइप के बीचों बीच हमने रख लिया है, और इसको सिर्फ हमने टच किया है, और अब इसको हिलाकर देखेंगे कि हमारे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रॉपर्ली बीच में है पाइप के, अब इसको हम कसेंगे टाइट करके। और देखिए ऑयल होने की वजह से ना, हम इसको बड़ी आसानी से कस सकते हैं, अब हमारे पास ज़्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है फ्लेयर कसते में। इसको पूरा कस लेना है अच्छे से, अब देखिए इतना टाइट हो चुका है कि हाथ से खुल भी नहीं रहा, अब हम इसे खोल भी नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। फटाफट खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा फ्लेयर कैसा बना है। देखिए आपको फ्लेयर बनाने के बाद ना, इसके अंदर हाथ डाल के जरूर चेक करना है, जैसे मैंने घुमाया कि कहीं फ्लेयर चटकी या फटी टूटी तो नहीं है, स्क्रैची तो नहीं है। अब देखिए अगर आपके पास फ्लेयर में स्क्रैच होते ना इस तरह से, तो ये फ्लेयर बेकार होती। एक बार को अगर गोल स्क्रैच होता छोटा मोटा शायद चल जाता, पर इस तरह का लंबा स्क्रैच कभी नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना, नहीं चटकी हुई चलेगी। तो ये था फ्लेयर बनाने का सही तरीका। तो घिसना हमें इसलिए पड़ता है, अगर आपने नहीं घिसी तो आपकी जो फ्लेयर है वो कॉर्नर से चटकनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल साइड टू साइड नट के ना ओवर है ना ही कम है,
ऐसा भी नहीं है कि हमारी फ्लेयर नट में नहीं जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी फ्लेयर है। अक्सर मैकेनिक इतनी छोटी फ्लेयर बनाते हैं, उसका रीज़न क्या रहता है कि वो पाइप को बिल्कुल डाई के लेवल में रखते हैं, जबकि पाइप जब हमारा फैलता है ना तो वो डाई के जो हमारा हिस्सा है गोले वाला कोन वाला हिस्सा वो उसके अंदर आ जाता है, छोटा रह जाता है। अगर हम उसको 2 से 3 mm बाहर निकाल लें तो क्या है, वो जब फैलेगी डाई तो बिल्कुल पूरा पूरा उतना ही आएगा जितना हमारी डाई में दिया हुआ है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर 2 से 3 mm आप बाहर निकाल लेंगे तो आपकी अच्छी बड़ी फ्लेयर बनेगी। और बड़ी फ्लेयर बनाने का फ़ायदा ये है कि उसको आप अच्छे से टाइट कर सकते हैं, और वो फ्लेयर जैसी आप ताकत लगा के टाइट करेंगे ना वो ख़त्म नहीं होगी। छोटी फ्लेयर आपने बनाई तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे ही आपने उसको टाइट किया अच्छे से तो वो फ्लेयर घिस जाएगी, क्योंकि नट का जो दबाव है वो काफ़ी कॉपर पाइप के कम हिस्से पे रहेगा, जिसकी वजह से क्या है वो नट आपने अगर अच्छे से जान लगा कर टाइट करी तो वो ख़त्म हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और उसमें आपके गैस निकलने के चांस बन जाएंगे। या फिर आप अगर डर के मारे हो उसे हल्का कसोगे तो भी नट गैस निकलने के चांस बन जाएंगे। और ये ख़ास तौर से आपके साथ तब होता है जब आपने हल्का पाइप यूज़ करा हो, मतलब लोकल पाइप या गेज में कम, और क्वार्टर की फ्लेयर बनाई हो, जैसे कि ये वाला पाइप है हमारा बहुत कम साइज है, ये हमारे पास 2 सूट का पाइप है क्वार्टर का। ऐसे पाइप में जो है इस पाइप में ख़ास तौर से गैस निकलने के चांस रहते हैं अगर आपने छोटी फ्लेयर बनाई है। तो आप हमेशा बड़ी फ्लेयर बनाइए, और जिस तरीके से मैंने बनाई बताइए जिस तरह से मैंने बताइए इस तरह से बनाइए। आप पाइप को बहुत धीरे धीरे कसकर काटिए, नंबर एक। दूसरा, आप उसको रेती ज़रूर करिए हल्का फुल्का। तीसरा, उसमें आप नोक प्लास से उसके अंदर जो कटिंग थोड़ी सी कॉपर पाइप की मुड़ गई है उसको अच्छे से झाड़ लीजिए, साफ़ कर लीजिए, और 2 से 3 mm आप कॉपर पाइप को डाई से बाहर निकाल के रखिए। उसके बाद आपको डाई से अपने फ्लेयर कोन से कस देना है, और हमेशा हमेशा चेक जरूर करनी है कि आपकी फ्लेयर फटी तो नहीं है। आपको उसमें हाथ भी और नाखून भी दोनों चीज़ घुमाकर आपको उसमें अच्छे से देखना है कि कहीं हमारी फ्लेयर में कोई ऊपर नीचे निशान या कटिंग, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का स्क्रैच तो नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के बाद आप एक बार जहाँ पर कस रहे हैं उसको भी चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जहाँ पर हम फ्लेयर को कस रहे हैं वो ख़राब हो, क्योंकि कई कंडीशन में मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत ही सालों में होता है कि उसके अंदर भी आपको कोन पर कटिंग या कोई स्क्रैच मिल जाए जिसकी वजह से आपकी गैस निकल जाए। बस आपको यही देखना है और फ्लेयर को कस देनी है। और भी काफ़ी कुछ होता है फ्लेयर बनाते समय जो दिक्कतें आती हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगली वीडियो इसका दोबारा बनाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि फ्लेयर जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, फ्लेयर बनाते में हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जिनको हम फ्लेयर बनाते समय कैसे दूर करते हैं। देखिए, जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप कहीं भी हल्का पाइप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्वार्टर का पाइप उसमें भारी लीजिए, क्योंकि क्वार्टर की जो फ्लेयर है सबसे ज़्यादा गैस उसी से निकलने के चांस रहते हैं। क्योंकि अगर आप क्वार्टर का पाइप हल्का लेंगे, लोकल पाइप लेंगे, तो आप क्या है उसको डरते हुए कसेंगे और उसी से आपका जो है गैस निकल जाएगी। तो आप क्वार्टर का पाइप हमेशा भारी पाइप लेने की कोशिश करिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।